क्लास सिक्स में जब हमने सबसे पहले वर्ब्स किए थे तो मैंने क्या बताया था, जो वर्ब्स होते हैं फ्रेंच में दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, दैट इज ईआर, आईआर एंड आरई। अब ये तीनों जो होते हैं ये इनकी एंडिंग्स होती हैं, ओके, ईआर एंडिंग। जैसे ईआर एंडिंग के एग्जांपल पार्ले, अबीते, मोंजे, ये सारे वर्ब्स जो हैं वो ईआर पे ख़त्म हो रहे हैं। तो दिस इज़ आर फर्स्ट कैटेगरी वर्ब जिसको हम ईआर एंडिंग बोलते हैं। इसकी कॉन्जुकेशन हमने पहले की है, राइट की है, सबको याद है? नहीं अभी नहीं लिखना, बाद में। हाँ ई आर एंडिंग की कॉन्जुकेशन सबको याद है, हमने पहले की थी सिक्स में, ओके। आरव याद है? यस नो यस ओके। अब आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ वर्ब्स जिसको हम बोलते हैं आई आर एंडिंग। दिस इज अ कंप्लीट न्यू टॉपिक, तो बहुत अच्छे से सुनना। वॉट आर आई आर एंडिंग वर्ब्स? वो वर्ब्स जिनकी एंडिंग के लास्ट टू लेटर्स आई आर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिनीर। अभी मीनिंग्स हम करेंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स। शोआजीर, ओके, फॉर एग्जाम्पल रॉम्प्लीर, ओके, और पुनी, ओके। सो दीज आर जस्ट सम एग्जाम्पल्स उन वर्ब्स का जो आई आर एंडिंग की कैटेगरी में फॉल होते हैं, बिकॉज इन सब का जो लास्ट टू लेटर्स हैं वो हैं आई आर, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी कॉन्जुगेट आई आर एंडिंग। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट स्टेप, लाइक इन ई आर एंडिंग वर्ब्स आई टोल्ड यू यू विल रिमूव ई आर। नाउ हेयर आई एम टेलिंग यू रिमूव आर। फोकस, यू डोंट हैव टू रिमूव आई आर, यू हैव टू रिमूव आर, ओके। देन यू विल एड विद ज, वी विल एड एस, विथ यू ऑल्सो वी विल एड एस, with ill, we add t. So these are the singular pronouns, s, s, t. Now with nu, you will add s, s, o, n, s. With vu, you will add s, s, e, z. And with ills and ells plural, you will add s, s, e, n, t. ये हमारी endings हैं कि हम आर को रिमूव कर कर ये एंडिंग्स डालते हैं, ओके। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक द वर्ब शोआजीर, लेट्स टेक द वर्ब फिनीर बिकॉज इट्स लिटिल शॉर्ट, ओके। व्हाट डू वी रिमूव, मैंने क्या बताया था, व्हाट विल वी रिमूव, आर, करेक्ट। सो व्हेन आई कट आर व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट एफ आई एन आई, ओके। नाउ ज फिनी, एफ आई एन आई एस, ट्यू फिनी, एफ आई एन आई एस, इल एल फिनी, एफ आई एन आई टी, नू फिनी सॉ, एफ आई एन आई एस एस ओ एन एस, वू फिनी से, एफ आई एन आई एस एस ई जेड, इल एल प्लूरल फिनी। Okay, so what did we do? We remove R. After removing R, we get the radical. We call this radical. We get the radical, and after that, we add the endings. Oh, we had S. Ha!
हाँ आर एफ यू हैव टू बट फर्स्ट विल अंडरस्टैंड देन. ओके ओके यहाँ तक कोई डाउट समझ आ गया. बहुत सिंपल कंसेप्ट है. यू विल रिमूव आर. आर रिमूव करने के बाद वट एवर यू गेट इन दैट यू हैव टू ऐड द एंडिंग्स एस एस टी टी एस एस ओ एन एस 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 ई जेड एस एस ई एन टी एस एस ई एन टी. ओके कोई भी डाउट. ओके आरव तृति कोई डाउट. आरव नो. ओके आई डू वन मोर वर्ब देन आई गिव यू गाइस टाइम टू राइट. ओके लेट्स डू वर्ड शो आज़ीर. ओके सो व्हाट डिड आई सेड विल रिमूव आर. आफ्टर दैट वी विल गेट दिस. जब भी वेन एवर इन द एग्जाम और कोई एक्सरसाइज हम कर रहे हैं यू कम अक्रॉस आई आर एंडिंग वर्ब सो जस्ट डू अ सिंपल टास्क इन द कॉर्नर और समवेयर ऑफ द पेज. रिमूव आर राइट वॉट एवर रेडिकल यू विल गेट. उसके बाद वेन यू आर कॉन्जुगेटेड योर टास्क विल बी वेरी इजी बिकॉज यू नो वट रेडिकल इज. ओरली अगर हम मन में करते हैं तो कभी कभार इट हैपन्स कि हम गलत पोजिशनिंग कर देते हैं. सो जस्ट सो हाउ विल आई कॉन्जुगेट दिस. आई विल कॉन्जुगेट इट एज श शो आ जी विद एस ट्यू शो आ जी with s il l show a z it no show a z zo. Vu show a z se. Il l okay same process like how I conjugated fini the same way I conjugated shoazi. okay now this is how we conjugated and now I'm just telling you the meanings of some like very regular verbs which we use. The first word we did was finir which means to finish. हाँ धृति जस्ट ये लास्ट पेज कर लेते देन आई विल स्क्रॉल अप. ठीक है फिर यू गाइस कैन राइट. फिनीर शोआज़ीर किया हमने. शोआज़ीर मींस टू चूज. ऊपर आई रोट पुनीर. पुनीर मींस टू पनिश. आफ्टर दैट वी हैव रेयूनी टू रीयूनाइट. Reusi to succeed or to score good somewhere. So you can also write reusi. Obey to obey. Okay, then grandi to expand to grow. Okay. In French, these are the two which might seem little, you know, these are not something which we use more in English. It is to get red, okay, to redden something. And this is to get yellow. For example, the flowers are getting yellow. So, les fleurs jaunies, okay, that's how we write it. Also, remplir, which means to fill. These are like some verbs which we use often. Okay, तो meaning हमें इसके learn करने और best जैसे जैसे we'll practice exercises तो और words हमें मिलते जाएंगे. ठीक है और अब पूरा conclusion क्या है that how do we conjugate. We start the conjugation first by we remove the r from the ir ending verb. Then we get the radical. Whatever we get in that we add the endings. With sh and tu we add s. With il and l we add the t. With nu we add ssons. With vu we add ssez. With ils ells we add ssent. okay
Okay, now I'm scrolling up. You guys can write it down. अच्छा हाँ